लेट मी टेक यू टू द वर्ल्ड बिफोर द लॉकडाउन टुडे. याद है किसी को कैसे होता था? वेयर वी कुड फ्रीली मूव, टच डोर हैंडल्स, ईट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रैवल. This vlog is from my last day in Bali after the retreat finished with Utopia Retreat. If you don't know what I'm talking about, I've uploaded two more vlogs before. You can go watch. But Neha and I had an extra day on our trip because of our flight, so we went solo in Seminyak exploring the streets on bikes. This was my first time without falling, by the way. This is one of the few days जब actually सूरज निकला है हमारे ट्रिप में and the villa looks amazing. मतलब it does look amazing all the time, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं तभी villa tour करूँगी जब अच्छी सी रोशनी होगी, आप लोग सब कुछ देख सकोगे. और जब हम लोग लैंड भी किए ना, तो वी लैंडेड एट लाइक 11, नहीं वी लैंडेड एट लाइक 9, और मैडम निशु भी हैं हमारे साथ पीछे. वी लैंडेड एट लाइक 9 और फिर हम एयरपोर्ट पे थे काफ़ी देर तक, और हमें घर आते आते कोई रात के 1 बज गए थे. तो इसीलिए फिर टूर नहीं हो सका क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था. फिर जब तक हम सुबह उठे तो निकलने का टाइम हो गया था, और सारे कपड़े इधर उधर, इतना गंद, अभी भी इट्स नॉट द मोस्ट परफेक्ट जैसा था जब हम लोग आए थे. हम ना आप अपना सामान भूल दिए, तो ये मैं वापस लेके जा रही हूँ और आप लोगों को विला भी दिखा दूँ. हमारा आज इस विला में आखिरी दिन है, और कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है. सो आई एम गोना स्टार्ट पैकिंग क्योंकि हम एक और जगह पर जा रहे हैं आखिरी रात के लिए, मैं और नेहा, क्योंकि हमारी फ्लाइट थोड़ी देर से है. सो सॉर्ट दिस आउट, लेट्स सी. अच्छा, तो ये इस वॉकवे का एंड है. मैं थोड़ा ऊंची बोलूंगी ताकि आप लोगों को आवाज़ आए. तो ये है हमारे विला का दरवाज़ा, विला 121, एंड देन यू पुश इट, थोड़ा सा जोर से, एंड कम इन. That is my room right there. You can see my yellow bag. अंदर लेके चलते हैं अभी आपको, और यहाँ पे चलते हैं इस रूम के अंदर. मैंने कहा था गन तो है क्या. ये सारा सामान है नेहा का, और ये कचरा भी हमने बड़ा फैलाया हुआ है. सो दिस इज द बेड, और इसके सामने बेड था, और बिल्कुल सामने हमें हमारे पास पूल का व्यू था. अब हम जा रहे हैं मेरे फेवरेट पार्ट में, जो कि है वॉशरूम. सामने भी एक मिरर है, हाय. और फिर यहाँ पे आप आते हो तो यू हैव अ बाथटब, एंड यू हैव दिस गॉर्जियस शावर. मैं सबसे ज्यादा तो मैं मिस करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स सो 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 अमेजिंग. मतलब प्रॉपर रेन शावर है, और आप लिटरली बाहर शावर कर रहे हो. हाउ कूल इज दैट, आई लव दिस प्लेस. उसके बाद हमारे पास ये मिरर है, और इसी के सामने हम काफ़ी ज़्यादा तैयार होते थे. यू कैन सी अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियर आउट हो गया है, बिकॉज हमने सारी चीज़ें अपनी उठा ली ऑब्वियसली. और यहाँ पे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा सामान होता था, देयर इज द स्विच, यहाँ पे भी तैयार होते थे, लेकिन यहाँ पे लाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो यू नॉट कैन डू दैट. यहाँ का सीन ऑल दो बहुत ज़्यादा ऑन है, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी पड़ती है. दिस मिरर इज ऑल्सो अमेजिंग. और फिर हम वापस आ जाते हैं इस दरवाजे की तरफ, जहाँ से आप बाहर निकल सकते हो. ये था हमारा कॉमन एरिया जहाँ पे सारे आते थे. तो इस विला के अंदर 3 रूम्स हैं. ये रहा मिनी का रूम, ये मैट्स आपको हर जगह नजर आ रही होंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर है. खैर, सो दैट वाज आवर विला. नेहा की पैकिंग अभी तक खत्म नहीं होके दे रही, क्या मतलब भाई. यहाँ तो बैग नहीं बंद हो रहा, बैठो इस पे, मैं बंद करती हूँ, या मैं बैठू तुम बंद करती हो. तुम बैठो, मैं बंद करती हूँ. थैंक यू फॉर रूइनिंग माय क्लिप. Thank you.
नेक्स्ट होटल। और ये रहा हमारा सामान, हमें अंदर जाना है। हमारी ग्रैब की गैंग जमा हो गई है, नेहा की बाइक आ गई है, मेरी भी आ गई है। Because I'm gonna be honest here, I wasn't really looking forward to being on bikes, क्योंकि मैं पाकिस्तान में दो दफ़ा बैठी हूँ बाइक पे और दोनों दफ़ा गिरी हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैं बहुत सख्त डरी हुई थी। तब भी बाकी रिट्रीट पे जब भी मौके आए थे बाइक्स पे बैठने के, मैं नहीं बैठ रही थी, और क्योंकि हम ग्रुप में होते थे तो देयर वाज ऑलवेज अ कार और समथिंग, तो मैं हमेशा उसी गाड़ी में चली जाती थी। But it's safe to say that I obviously enjoyed myself. जब मुझे realize हो गया कि ये काफ़ी safe है, मैं गिरने नहीं वाली इनसे, I was having so much fun. Especially जब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती थी ना बारिश के साथ, it was the best way to go about in Bali. And you can also get to places so much more quicker. If you come into Bali, this is not something that you should be missing. ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो इन mopeds को rent पे ले लेते हैं और खुद ही से drive करते हैं, लेकिन since मुझे तो drive दूर दूर तक नहीं करना आता था, we decided to just get grabs, which is basically like Kareem in Bali, and it was super easy to use, and you need to have it on your phone if you're ever going there. हम लोग अब बाइक राइड से उतर के आ गए हैं, मेरे बालों में भी सही है, वाओ। और हम लोग अब ये फ्रोजन योगर्ट प्लेस में आए, पहले हम लोगों को सफ़ा और मनाहिल को घूमना है, बाकी सारे जो गए हुए हैं घूमने फिरने, लेकिन मुझे फ्रोजन योगर्ट नज़र आई और मैंने कहा ये तो मुझे खानी है। आई टेस्ट द पैशन फ्रूट वन, इज इट गुड? थैंक यू, आई लव दिस सो मच राइट नाउ। Exploring the streets of Bali. Ah, this is so amazing. And I hope when I watch these vlogs back, they'll make me just as happy. कौन सी वाली? कितने के लिए? 300 rupees Pakistani. और यहाँ पे होंगी 5 lakh रुपए के। Ride almost खत्म होने वाली है, but मैं भी अभी Instagram से live गई हूँ. It was so much fun. हमने यहाँ पे mall पे आना था, so I took the bike again. Hi guys, it is the last day for us in Bali. मैं और नेहा अब ने हमारा दूसरा होटल रूम था कि मतलब टूर तो यहीं पे हो गया, काफ़ी छोटा सा था। This is the washroom right here. We just booked it for one night क्योंकि हमने आज जाना है, हमारी आज की फ्लाइट है इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं ज़रा स्ट्रीट शॉपिंग करने और एक बैग लेने, क्योंकि हमारे बैग्स में हमारे सामान की जगह नहीं है, हमने शॉपिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर ली है। तो we're just gonna pick that up. We're leaving our room right now. तो I'm gonna take you guys. Let go. ये बड़ा पार्टी रूम है जी, और काफ़ी अफोर्डेबल था ये वाला होटल, तो मतलब दिस वाज लाइक 3000 पर नाइट, एंड इट्स मतलब बाहर ही हमारे ग्रैब के ड्राइवर्स आ गए हैं, तो हमने जाना है, अब हम बाइक्स पे ही सफ़र करते हैं। दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द पूल एंड देन ऑल ऑफ दिस ग्रीन, आई एम इन लव विद बाली। Always wear your helmet, girls and boys. The familiar smell. Oh, a good smell. हमारा खाना आ गया है, आई गॉट अ ब्लूबेरी क्रम्बल मफिन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसके अलावा कैरामल माखियाटो, ये मैंने अपना नाम खुद लिखा है तो कोई इम्प्रेस ना हो उसकी राइटिंग स्किल से। नेहा, व्हाट डिड यू गेट? विद मोर बटर एंड यू गॉट अ फ्रैपुचिनो दैट सेज वेलकम टू बाली, ऑल्दो वी आर नाउ लीविंग बाली, सो इट शुड बी लाइक गुड बाय फ्रॉम बाली, बट जाएंगे बैग लेने, तो हमें वापस होटल जाना है, वहाँ पे जाके सामान अपना रखना है और उसे स्टोरेज में रखाना, फिर हम दोबारा इधर वापस आएंगे, क्या बकवास है यार उसमें। One hour later. बैग ले लिया फाइनली, और ये हमारी ग्रैब ड्राइवर है जो हमें लेने आई है, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था कुछ भी और हम बहुत गलत जा रहे थे। मेरी शक्ल आप देख सकते हैं, मेरी क्या हालत हो रही है,
यू कैन सी बाल चाल सब बंद हो गए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अभी हम जाएंगे वापस क्योंकि हमें लेट चेकआउट नहीं मिला, तो हम जाएंगे वापस और सामान पैक करेंगे, सामान होटल में ही रखवाएंगे और फिर यहाँ पे वापस आएंगे। यहाँ पे भी रोड के बीच में लोग टेंट लगा लेते हैं क्योंकि हमारा होटल इस गली के अंदर है। हम लोग बहुत ही गलियों गलियों से जा रहे हैं, बहुत अंदर अंदर से, और इसीलिए यहाँ पर गाड़ियों में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बाइक्स आपको लिटरली गलियों से लेके जाते हैं। बाजार में भी लोग इसीलिए बाइक्स में ज़्यादा घूमते हैं बिकॉज बाइक्स आपको बहुत टाइम लगता है। मतलब आप ये गलियाँ चेक करें इस तरह, दिस आर ऑल फुल ऑफ टेम्पल्स एंड मार्केट्स। मेन रोड पे आ गए, ये फिर भी एक गली है लेकिन स्टिल प्रीटी मेन। टू मच फॉर यू, गिव मी लास्ट प्राइस। लास्ट प्राइस इज फॉर यू बिकॉज़ यू आर नॉट लेट। यस, और हमने अभी तक इतनी शॉपिंग कर ली है और अब मैं ये ज्वेलरी बॉक्स ले रही हूँ। अभी तक बार्गेनिंग कर रही है और मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स लिया है। लुक एट हाउ प्रीटी दिस इज, I love it. I want to give you profit but I can't afford it. So pretty. I want to so give you profit but I can't because it's too expensive for me. No, this पे बैठ के मैकडॉनल्ड्स खाया जा रहा है। नो थैंक यू, वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस मोर ऑफन इन कराची नो। और नेहा तो मसाज भी करवा रही है, लिविंग हर बेस्ट लाइफ राइट हियर। और इन्होंने इस दफा मैकडॉनल्ड्स के साथ केचप नहीं दिया, स्पाइसी केचप। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, हमने एयरपोर्ट के लिए ऑलरेडी चेंज कर लिया है और मेरा पैरासेलिंग करने का बहुत दिल कर रहा है लेकिन हमारे पास लिटरली सिर्फ 15 मिनट रह गए स्ट्रीट मार्केट जाने का बहुत ज़्यादा दिल है क्योंकि मुझे दो तीन बड़ी चीज़ें लेनी है। उसके बाद से गुड बाय टू बाली। नो दिस कांट बी रियल, इतनी जल्दी टाइम कैसे गुजरा है, इतनी जल्दी टाइम कैसे गुजरा बताओ, बोलो। इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वी शुड हैव केप्ट लाइक 3-4 दिन जस्ट चिलिंग। आई फाउंड द गुड स्टफ, यू आर कमिंग विद मी। Look at me right now. I look so shit. अच्छा यहाँ पे एक घोरा हुआ था और वो हमें देख के इतना सख्त जज कर रहा है क्योंकि आई मीन कैन यू ब्लेम हिम, का ज़्यादा क्यों है हमारा सामान नहीं। हाँ तुम्हारे तो ज़्यादा सामान क्यों है, मेरे पास सिर्फ इस हैंड कैरी में थोड़ा सा कुछ रखने की जगह है। लोगों ने लास्ट में शॉपिंग की और फिर मेरा बैग इतनी मुश्किल से बंद हो रहा है। मैं दुबई में कोई शॉपिंग नहीं करवा रही, नहीं अगर तुमने मुझे शॉपिंग करवाई ना, खाएंगे पीएंगे आज तक। और ये अभी तक कपड़े हैं मेरे पास जो मैं यहाँ हैंड कैरी। मैं इतनी इजी हो गई हूँ ना अपने बाल बंद करने के बारे में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि द गोल्डन आवर इज हियर। इट वाज ओके, इट्स नॉट द बेस्ट, पर अब हम अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और ये बड़ी पतली गली है इसमें गाड़ियाँ आती नहीं और पीछे किसी ने टेंट भी लगा लिया था एज यू गाइस सॉ। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं बस की गाड़ी आ जाए क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है। हम पहुंच गए एयरपोर्ट, सन इज सेटिंग, सब कुछ बहुत प्यारा है, सामान भी बहुत ज़्यादा है तो प्यारा है। और वी आर गोइंग टू बी ऑन अ 9-hour flight नाउ, पर अभी के लिए वी आर गोइंग टू जस्ट चेक इन क्योंकि हम ऑलरेडी हमें देर हो गई है, हमारी फ़्लाइट 7:50 की है और अभी 6 बज रहे हैं और अम्मी टर्म्स में बहुत ज़्यादा देर हो गई है। 3 घंटे पहले आपको पहुँचना चाहिए एक इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, वी आर जस्ट होपिंग के देना हो एंड या
but this is so pretty, Bali. I'm gonna miss you. This is unreal. Unreal how much I'm gonna miss this place. Because we have to push this uphill. नेहा का सामान ओवरवेट हो गया है, तो अब हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ क्या करें. What's up? Flight was a little longer.